क्या नाम है आपका? शिवानंद। तो आज किस उद्देश्य से यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, किस किस उद्देश्य हो रहा है? देखिए, बड़ा सौभाग्य का विषय है, भगवान राम जी के मंदिर निर्माण के लिए जो विश्वहिंदू परिषद के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया है कि आप समस्त तीर्थों की, समस्त प्राचीन मंदिरों की मिट्टी लाकर यहाँ पर निर्माण में रखेंगे। उसी में बरेली से हमारे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड भावतस भारत की सानिध्यता में, उनके समस्त पदाधिकारियों की सानिध्यता में प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कठेरिया जी, आप श्री अमरेश कठेरिया जी, युवा इकाई अध्यक्ष श्री अभिजीत कठेरिया जी व डॉक्टर हमारे श्रीमान विजय जी, क्योंकि अभी नाम सवादत बते हैं, सुमित कठेरिया जी, गोविंद कठेरिया जी और वार्ड इकाई से अध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया। उनकी सानिध्यता में आज ये कलश में मिट्टी रख के और बहुत सुंदर भाव से हमको दी गई है, जो विश्व हिंदू परिषद के और बड़े पदाधिकारियों को देकर अयोध्या तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। और ये एक बड़ा सौभाग्य का विषय हम सब के लिए है, हमारे लिए नहीं, परम सौभाग्य का विषय आज हर भारतवासी के लिए है कि उनके ऐसे तपस्थली मंदिरों की मिट्टी वहाँ जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है, ये ऐसा लगता है कि भगवान राम जी वाल्मीकि महाराज की कृपा से स्वयं अपने सभी जितने देवी देवता स्वरूप में मिट्टी के उठते हैं उनको बुलाकर काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वाल्मीकि समाज और इनको बहुत बहुत साधुवाद है। ये बड़ा सुंदर काम किया है आप सब ने। एक बार जय श्री राम, जय वाल्मीकि समाज। अनुरोध करूंगा हमारा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से, जब हमारे प्रदेश के मंत्री मुकेश वाल्मीकि जी का भी चूनाला पल्ली करना का स्वागत। अनुरोध करूंगा हमारा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा इकाई अभिजीत कठेरिया जी का चूनाला पल्ली करना का स्वागत। जयप्रकाश जी और मेरे राजेंद्र जी और मेरे समाज के सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। जो 30 साल से जो हमारा भारतवर्ष में जो आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि के निर्माण का, जो तपस्या जो हम लोगों ने एक मांग उठाई थी, देश से आवाज़ उठी थी, देश का पूरे हिंदुस्तान के पूरे विदेश से आवाज़ उठी थी कि भगवान भगवान राम का जो है निर्माण, मंदिर का निर्माण वहाँ होना चाहिए। आज वो दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वो पूरा होने जा रहा है। ये बहुत ही गर्व की, बहुत खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा समाज इस निर्माण में पूरी तरह से लगा हुआ है और हमारे वाल्मीकि समाज के मंदिर की जो